कृष्णा ने MBBS करने के पश्चात मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में MS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया। विराम उस समय जब उसने अपना आवेदन दिया था उस विषय में 4 स्थान रिक्त थे। विराम राज्य सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने उक्त मेडिकल कॉलेज से MBBS पास किया था राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 75% स्थान आरक्षित करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी और शेष 25% के लिए बाह्य व्यक्तियों के आवेदनों पर उन अभ्यर्थियों के आवेदनों के साथ योग्यता के आधार पर विचार किया जाना था जिन्होंने उक्त मेडिकल कॉलेज से MBBS पास किया था। विराम एक अन्य अभ्यर्थी की योग्यता से पिटिशनर की योग्यता की तुलना करने के पश्चात मेडिकल कॉलेज ने पिटिशनर को अपेक्षाकृत कम योग्य पाया और उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। विराम उसके पश्चात पिटिशनर ने अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन फाइल किया कि पिटिशनर का प्रवेश करने से इनकार करने की कार्यवाही सरकारी आदेश के विरुद्ध थी क्योंकि स्वयं उक्त मेडिकल कॉलेज के छात्रों के आरक्षित कोटे के लिए छात्रों को छांटते समय या उनका चयन करते समय अनुचित पद्धति अपनाई गई थी। विराम पिटिशनर को रोक आदेश मंजूर किया गया और मेडिकल कॉलेज को पिटिशनर का प्रवेश करने का निर्देश दिया गया। विराम अंततः रिट पिटिशन मंजूर किया गया। विराम पूर्वोक्त रिट पिटिशन में पिटिशनर द्वारा रोक आदेश प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात उसका रजिस्ट्रीकरण मेडिकल कॉलेज द्वारा MS पाठ्यक्रम में कर लिया गया। विराम पिटिशनर ने अपना शोध प्रबंध तैयार किया और उसे प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विराम जब शोध प्रबंध स्वीकार नहीं किया गया तो पिटिशनर ने इस न्यायालय में वर्तमान रिट पिटिशन फाइल किया। विराम पैरा स्थाई काउंसिल द्वारा जिन नियमों का अवलंब लिया गया है वे सामान्य मामले को लागू होते हैं जिसमें किसी छात्र का प्रवेश यथास्थिति जनवरी या फरवरी माह में किया जाता है। विराम किंतु यहां एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए पिटिशनर को दोष नहीं दिया जा सकता है। विराम पिटिशनर ने प्रवेश के लिए काफी समय रहते आवेदन दे दिया था। विराम उसे ऐसे आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया जो पूर्णतः असंगत और बाह्य आधार था। विराम इसके कारण उसे रिट पिटिशन फाइल करना पड़ा जो अंततः मंजूर किया गया। विराम रिट पिटिशन में प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देश करते हुए रोक आदेश पारित किया गया था कि पिटिशनर का 1980 के जून माह में प्रवेश किया जाए। विराम ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या पिटिशनर को वर्ष 1980 के जनवरी माह में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था या नहीं, पूर्वोक्त रिट पिटिशन में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्देश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को पिटिशनर का MS कोर्स में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था जो तारीख 1 जनवरी 1980 को शुरू हुआ था। विराम इस निर्देश के परिणाम स्वरूप पिटिशनर का रजिस्ट्रीकरण स्वयं जनवरी 1980 में ही
किया गया समझा जाएगा। विराम, यदि ऐसा है तो एमएस कोर्स में 2 वर्ष के अध्यापन के बारे में प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल के तर्क का वर्ष 1981 के नवंबर माह में परीक्षा में बैठने की तारीख से पूर्व समाधान हो गया समझा जाना चाहिए। विराम, इस तथ्य की धारणा पिटिशनर के पक्ष में की जानी चाहिए। विराम, यह एक काल्पनिक स्थिति हो सकती है जिसे वास्तविक माना गया है, किंतु इसका कोई विकल्प नहीं है। विराम, प्रत्यर्थी संख्या 1 यह चाहता है कि संबद्ध नियमों का निर्वचन करते हुए पिटिशनर के मामले को यथावत लागू किया जाए, जो एक असामान्य मामला है। विराम, किसी सामान्य मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से किया गया निर्वचन लागू किया जा सकता था या लागू नहीं भी किया जा सकता था। विराम, उसका विनिश्चय आवश्यक नहीं है। विराम, किंतु जब यह मान लिया जाता है कि ऐसा निर्वचन जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया था सही है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस मुद्दे को उठाने के लिए अनुज्ञात करना और उस आधार पर पिटिशनर की अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर देना अनुचित और अवैध होगा। विराम, प्रत्यर्थी संख्या 1 को स्वयं उसकी ही गलती का फायदा दिया जा सकता है। विराम, स्टॉप।